वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संस्कार एंड यू आर वॉचिंग एच डी ब्लॉग्स। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की आपको सबको बधाई हो। और आज हमने पूरा पूजा का सामान ले लिया है और आज मैं जिस मंदिर में आया हूँ आपको उसके बारे में बताऊँगा। ये एरिया में मैं बचपन में रहता था और आज ये मंदिर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। और मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप तक पहुँचाई जाए क्योंकि इस मंदिर के बारे में नागपुर में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। सो आज मंदिर में दर्शन करते हैं और अगर ये वीडियो समय से आ जाए तो आप आके दर्शन कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो आप अगले साल आके प्लीज़ यहाँ पे दर्शन कीजिएगा। एड्रेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मम्मी भी है। और मम्मी मेरे को ये बताओ, आज आपको पुरानी यादें कितनी आ रही है क्योंकि अपन यही एरिया में रहते थे? वो तो हमेशा तो याद आती है ना, आते हर साल आते हम लोग यहाँ पे, और बहुत यानी यादें जुड़ी है इस जगह से। मैं जब छोटा था तो इस जगह पे यानी एक रास्ता था, वो खुफिया रास्ता हम बोलते थे उसे बचपन में, तो अंदर आते थे देखते थे कि कैसा रहता है। और अब आपको कुछ शॉट्स में दिखाता हूँ कि ये लोकेशन कहाँ पे है। मेरे साथ है अभी चिटनविस मैम। मैम मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये मंदिर को कितने साल हो गए हैं? ये तो 200 साल पुराना मंदिर है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सर शंकर राव चिटनविस जो थे वो डेप्यूटी कमिश्नर थे छिंदवाड़ा के ब्रिटिश राज में, तभी ये उनको बंगला मिला था। एंड ही वॉज आर्डेंट डेवोटी ऑफ शंकर जी, तो शंकर जी की पूजा किए बिना वो रोज यानी करते थे, तो इसलिए वो सवेरे उठ के इधर एक छोटा सा मंदिर बनाया था उन्होंने जी। और वहाँ जाके वो पूजा करते, तभी बहुत छोटा था वो मंदिर। और फिर मेरे डैडी ने पूरा उसको डेवलप किया बाद में। और अभी हम 6 डॉटर्स है और हमारा ये बंगला भी है और ये टेंपल भी हमारा है, और मैं और मेरी बहन गौरी चिटनविस हम दोनों यहाँ रहते हैं। और मेरी जो बहन है वो बहुत शी इज़ ऑल्सो वेरी आर्डेंट डेवोटी ऑफ शंकर जी, तो इसलिए वो सब मेन आर्किटेक्ट है, हमेशा उसका पेंटिंग वगैरह सब कुछ वो जो करती है, मंडप वगैरह हर शिवरात्रि में वो करती है मैनेजमेंट इसका। ओके एंड मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है पब्लिकली, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ये प्राइवेट मंदिर है इसलिए हम खाली एक ही बार खोलते, क्योंकि मेंटेन करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, हर दिन बहुत लोग आए तो इसलिए हमने एक ही बार खोलते इसको। ओके ओके थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू। आप भी आइए इस मंदिर में विजिट कीजिए, एड्रेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मम्मी आप इतने सालों से ये मंदिर में आ रहे हो, आज आप यहाँ से हम चले गए शिफ्ट हो गए तो आपको कैसा लग रहा है ये बताओ? हर साल आती है मंदिर की याद, इसलिए हर साल आते हैं इधर, मान्यता है इस मंदिर की, साल में एक ही बार खुलता है पब्लिकली, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, हर साल आते हैं हम लोग यहाँ जी। और मम्मी आप ये भी बोल दो कि लोग भी आएंगे इस मंदिर में विजिट करें, एक बार दर्शन करके जाएं, और साल में एक बार खुलता है तो मान्यता का भी मंदिर है ये। हाँ मान्यता का है, बोल रहे हैं 200 साल पुराना है मंदिर, तो इसलिए जब भी ये महाशिवरात्रि पे खुले सब लोग जो भी लोग देख रहे हैं तो जरूर दर्शन करें आके। थैंक यू मम्मी। अगर आपको भी दर्शन करना है इस मंदिर के तो आप आइए, आपको एड्रेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वाले व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना ऐसे मत जाइएगा। तेज टाइम वेट क्यों बन जाए, अगली वीडियो तक मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, हर हर महादेव।